हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सीरीज में। जैसा कि आप सबको पता है, इस सीरीज में आपको मिलती है गेट के थ्रू जितने भी पीएसयूज की रिक्रूटमेंट होती है उनके जॉब्स एंड उनके अपडेट्स उनके नोटिफिकेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज आपके लिए लेके आया हूँ एमआरपीएल की तरफ से बहुत ही बेहतरीन एक जॉब अपडेट। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से एक बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एमआरपीएल मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एक डिवीजन ऑफ किसका है, ओएनजीसी का, ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज पे, किस किन किन पदों पे, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। सो गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे एमआरपीएल ने असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। मैकेनिकल की मैं बात करूं तो 24 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 7 वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहां पे 2 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 11 वैकेंसीज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 28 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर साइंस में यहां पे 5 वैकेंसीज हैं। यहां पे आपका जो नेसेसरी जो रिक्वायर्ड गेट रहेगा, जो गेट का वैलिड स्कोर होगा वो होगा गेट 2022, उससे पहले का गेट स्कोर यहां पे वैलिड नहीं होगा। ये आपके रिस्पेक्टिव गेट 2022 के कोड हैं। मैकेनिकल के लिए ME, इलेक्ट्रिकल के लिए EE, सिविल के लिए CE, केमिकल के लिए CH, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN और कंप्यूटर साइंस के लिए CS और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए EE, ये आपके गेट के कोड रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एलिजिबिलिटी इसकी आपकी आपकी इन कंसर्न डिपार्टमेंट में आपकी बैचलर डिग्री BE BTech होनी ही चाहिए। अगर लास्ट और यू कैन से मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूं तो 27 इयर्स यहां पे रहने वाली है और पे बैंड सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है इसका। 50,000 से लेके 1,60,000 का पे बैंड यहां पे रहने वाला है, जो कि आपका क्यूमुलेटिव बहुत अच्छा पैकेज बनने वाला है। फिर आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस पे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले आए गेट 2022 के स्कोर पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जहां पे आपको ग्रुप डिस्कशन फेस करना होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी फेस करना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे चलें तो यहां पे आपके ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर ताकि फॉर्म मिस आउट ना हो जाए आपसे। एमआरपीएल का फॉर्म का जो एप्लीकेशन एक्टिव होने वाला है वो है आपका 17 दिसंबर 2022 और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2023। बहुत ही मिनिमम इसका एप्लीकेशन फीस है, जो भी रिजर्व कैटेगरी नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मात्र 118 रुपये और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे करने के रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई होप कि यू एंजॉयड दिस नोटिफिकेशन, आपको एक नई और अपॉर्चुनिटी आपके बास्केट में ऐड हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में है गेट 2022 का स्कोर तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो का कीजिएगा इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.